हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भास्कर गुप्ता व्लॉग्स में। और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि अभी हमारे पीएम मोदी जी ने एक ऑनलाइन पार्ट किया है I2U2 मीटिंग में। तो हम जानेंगे कि I2U2 मीटिंग होती क्या है और इसमें जो कुछ प्रोजेक्ट्स पे साइन हुआ है उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इंडिया की ओर से पार्ट किया है I2U2 मीटिंग में। अब I2U2 मीटिंग क्या होती है? ये मीटिंग एक चार देशों के बीच में होने वाली मीटिंग है, जिसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे ये बातचीत करते हैं। इनमें ये चार देश कौन से आते हैं? एक USA, हमारा इंडिया, इसराइल और UAE, ये चार देश। तो इसी में क्या हुआ था कि जो USA के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो इसराइल गए थे, इसराइल की कैपिटल, तो वहाँ पे गए थे। फिर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन तौर पे इसमें पार्ट किया है। तो ये सारी इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे साइन हुए, चलिए हम इसके लिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। हमारी जो ये जो I2U2 मीटिंग थी, I2U2 मीटिंग थी, इसमें चार कंट्रीज़ ने पार्ट किया था, हमारी इंडिया, भारत ने, UAE और ये अमेरिका और ये इसराइल। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन है अभी इसराइल गए हुए हैं, तो इन दोनों ने साथ में ही मीटिंग अटेंड की थी। और बाकी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के प्रधानमंत्री ने इसे ऑनलाइन अटेंड किया था। तो हम जानेंगे कि ये मीटिंग है क्या और इसमें क्या क्या समझौते हुए। तो सबसे पहले जो ये मीटिंग है, इसमें जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट साइन हुए हैं, उसमें नंबर वन जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें ये बात होती है कि जो इसराइल का एक पोर्ट है, सी पोर्ट है, इसराइल का एक सी पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा। आपने इसे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने इसे पहले काफ़ी सुना होगा कि हाइफा पोर्ट है। ये काफ़ी चर्चा में था न्यूज़ में, चाइना और हाइफा के बीच में काफ़ी चर्चा थी। एक न्यू हाइफा नाम का आपने वर्ड सुना होगा। तो ये जो पोर्ट है इनका हाइफा, ये अपने देश में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं। तो इन्होंने किया क्या है कि जो इनका पोर्ट हाइफा है, उसे इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, अडानी, आपने नाम सुना होगा अडानी, उसे दे दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी एक इंडियन कंपनी और एक इंडिया के लिए, कि एक दूसरे देश का पोर्ट जो ये हमारी एक प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है, तो उन्होंने इसे दिया है। और इसके लिए जो अडानी है, इसके लिए जो हमारे गौतम अडानी हैं, इन्होंने एक इसराइल की कंपनी है गैकॉट नाम से एक इसराइल की कंपनी है, उस कंपनी के साथ मिलके ये दोनों कंपनी मिलके इसराइल का हाइफा पोर्ट अब संभालेंगी। तो ये इसके लिए अडानी को करीबन $1.18 बिलियन देना पड़ेगा इसराइल को। तो ये टोटल ये दो कंपनीज है, तो ये 1.8 यानी ये $2.36 बिलियन के आसपास हो जाता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं हाइफा सी पोर्ट कहाँ है। तो ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो ये पोर्ट आपको दिख रहा है, ये हाइफा पोर्ट है। ये काफ़ी चर्चा में था, जैसा कि यहाँ पे इसी के पास में चाइना एक पोर्ट बना रहा था, जिसका नाम इसने न्यू हाइफा रखा था। हम कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए जो अभी जिस हाइफा की हम बात कर रहे थे पहले, वो हाइफा था ओल्ड एंड ओरिजिनल हाइफा, जो चाइना को दिया था वो एक न्यू हाइफा था। ये एक तरह का नया पोर्ट ही था जिसे चाइना बना रहा था। तो इसमें USA ने कहा कि आप देखिए आपके इसमें कैसा हो गया है कि आपके किसी ज़मीन पे चाइनीज़ कंपनी ऑफिशियली तौर से उसे चला रही है, तो ये काफ़ी गलत होगा। तो फिर इसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अभी जो है इंडियन कंपनी को काफ़ी बढ़िया मौका मिला है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, जो अब इसराइल चाह रहा है। तो इंडियन की प्राइवेट कंपनी चाइना को ना लेते हुए, बाकी आप सभी जानते हैं कि चाइनीज़ कंपनी दुनिया की हर जगह में कंस्ट्रक्शंस वगैरह करती रहती हैं, पोर्ट्स वगैरह के, और देखभाल भी करती रहती हैं। बाकी यहाँ पे अडानी ग्रुप को यहाँ पे इसराइल ने मौका दिया है, तो फिर काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और हाइफा अपने आप में ही वो एक अलग वो मायने रखता है, क्योंकि अगर आप देखें कि ओटोमन एम्पायर जब था, तो ओटोमन एम्पायर जो था, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो वो यहाँ पे कुछ बहुत सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्री से लेके यूरोप तक फैला हुआ था, जिसमें टर्की वगैरह काफ़ी सारे देश आते थे। तो जब ब्रिटिशर्स को ऑटोमन एम्पायर पे अटैक करना था, तो उन लोगों ने हाइफा को ही चुना था, क्योंकि हाइफा के आसपास काफ़ी सारे पोर्ट हैं और ये एशिया से यूरोप की काफ़ी सारी कनेक्टिविटी को
ज़्यादा हद तक आगे बढ़ा देता है। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हाइफा। तो यहाँ पे इंडिया की एक कंपनी को यहाँ की ओनरशिप मिल रही है, तो ये काफ़ी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जो अगर हम सेकंड बात करें, तो सबसे पहले जो हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो यूएसए से जेरूसलम आए, उनके हिसाब से, क्योंकि वो यूएसए के रहने वाले हैं, तो उनके हिसाब से इसराइल की कैपिटल जेरूसलम है। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो मेरे हिसाब से इसराइल की कैपिटल तेल अवीव होगी। तो वो यूएसए से आए हैं जेरूसलम में इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो इस मीटिंग में जो दूसरा सबसे बढ़िया समझौता हुआ, वो भी इंडिया को लेके हुआ। वो दूसरा समझौता क्या है, ये देखिए आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सी पोर्ट है। तो फिर जो दूसरा समझौता हम उसकी बात करते हैं, तो इंडिया में आपको पता होगा अभी गेहूं वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गए, हमारी सरकार ने काफ़ी इसको अपने गोदामों में स्टोर कर रखा है। तो इनके बीच में समझौता ये हुआ कि जो दुनिया में कुछ देश हैं जिनमें खाने की काफ़ी सारी दिक्कत होती है, तो इंडिया कुछ ऐसे फूड पार्क्स बनाएगा। अभी इंडिया ने बेचने पे कुछ बैन लगा रखा है, जैसे शुगर बेचने पे बैन है, गेहूं बेचने पे बैन है, क्योंकि अगर आप सब बेच देंगे तो कभी हमारे देश में आपातकाल की स्थिति होगी तो क्या होगा। तो इसलिए फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसे एक करीबन $2 बिलियन ये देश लगाएंगे, I2U2 के देश $2 बिलियन लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जिम्मेदारी यूएई को दी गई है कि वो इंडिया में जगह जगह जाके, मतलब ऐसे कुछ फूड पार्क बनाए जिसमें लोगों को खाना आसानी से मिल जा सके, और जो ज़रूरतमंद कंट्री है वहाँ पे हम आसानी से खाने अनाज को उपलब्ध करवा सके। तो ये कुछ इस तरह के मेन समझौते इस एग्रीमेंट में हुए थे। और बाकी आप अगर और जानना चाहते हैं कि I2U2 मीटिंग क्या है, तो इसके लिए भी एक अलग से I2U2 मीटिंग के ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। आज का हमारा मेन टॉपिक था कि इसमें क्या क्या समझौते हुए हैं। तो इनमें कल की जो मीटिंग थी उसमें यही दो तरह के समझौते हुए हैं, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा समझौते हुए नहीं हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि इन चार देशों के बीच में I2U2 की मीटिंग होती है, इंडिया, यूएई, यूएसए एंड इसराइल। तो मुझे लगता है आपको हमारी वीडियो आसानी से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।